हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री डैम। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री लेक्चर का पेपर फर्स्ट, यानी जो 9:30 से 12 बजे तक हुआ था, जिसमें आपका 25 क्वेश्चन हिंदी के थे और 100 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थे। तो हिंदी क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सेट ए का, तो आप अपना क्वेश्चन मैच करा लीजिएगा, हम दूसरे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका जो आंसर होगा वो आंसर सी होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी द पोजिशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली विथ एक्यूरेसी, ये वाला भी करेक्ट है। और साई इज अ वेव फंक्शन बट एज सच इट इज नॉट मेजर्ड ऑफ प्रॉबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन रीजन, यानी ए और पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। ओके, सी वाला। क्वेश्चन 27 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट। देखिए इसमें ध्यान रखना है कि हमें क्या देखना था, हमें करेक्ट देखना है, करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द स्टेटमेंट। इसमें कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 27 का भी सी ऑप्शन सही है, ए एंड सी आर करेक्ट बट बी इज रॉन्ग। ए एंड सी आर करेक्ट बट बी इज रॉन्ग, क्यों बेटा? क्योंकि देखिए ए क्या है, द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ क्लोरीन इज मोर देन ब्रोमीन, सही है, क्योंकि ग्रुप में नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव घटती है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे अधिक क्लोरीन की, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। और सी वाला क्या है, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन, ये भी सही है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। तो ए और सी सही है, और बी आपका गलत है, क्योंकि बी कह रहा है द फर्स्ट आइंस्टाइन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर, नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड होता है। तो सी ऑप्शन सही इसका उत्तर है। क्वेश्चन 27 हो गया, 28 क्वेश्चन की बात करते हैं, द करेक्ट डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आर रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन 28 उसमें देखिए, डी ब्रॉगली इक्वेशन आपका लैम्डा स्क्वायर एच बाई एम वी होगा, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, वो होता है आपका डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर दैन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। तो इसमें आपका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 29 में जो ऑप्शन है आपका उसे मैच करना, उसमें ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 29 का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का कौन सा है बेटा, ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 29 का डी ऑप्शन सही है। 30 क्वेश्चन, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड लिस्ट को मैच करना है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसका आंसर होगा बी, करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन 30 का करेक्ट आंसर क्या है बेटा, बी। और आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि इसमें भी मैच करना है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, सी करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 31 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात की जाए, क्वेश्चन 32 क्या है, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन बी सही है, 32 का बी सही है। 33 क्वेश्चन क्या है, 33 क्वेश्चन में आपको चुनना है सही आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी सही होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 34 तो ये पूछ रखा है इसमें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन इस बार बहुत जो पेपर बनाया था बहुत अच्छा बनाया था, उसमें बहुत केयरफुली करना था, तो इसमें पूछ रखा था कि कौन सा आपका नॉट करेक्ट है, गलत है, तो इन्वर्जन टेम्परेचर वाला ऑप्शन सी जो है इसका वह गलत है, क्योंकि टी आई इन्वर्जन टेम्परेचर इक्वल टू होता है 2A/RB, ये होता है, तो इसमें दे रखा 3A/RB, तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रखा है आपका इसमें कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एसर्शन और रीजन, एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं। क्या एसर्शन, ऑल प्रोटॉन इन बेंजीन आर केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंट, रीजन क्या दिया, ऑल प्रोटॉन कैन बी इंटरचेंज बाई द 6-folded सिमेट्री एक्सिस ऑफ बेंजीन, तो इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा, यानी एसर्शन बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, फिजिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए।
कैसे आया वो सीधी सी बात में देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू राइज 213.5 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मोलर हीट कैपेसिटी दे रखा है लेकिन वो उसकी वैल्यू जो दिया बेटा 18 कैलोरी पर मोल दे रखा है, इसमें आपको करना है ये आपको दे रखा है उसने मोलर हीट कैपेसिटी आपको दे रखा है तो इसको आपको वैल्यू बतानी है। इसमें जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 16.012 किलो कैलोरी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 37 भी सरसन सेन का है, ये आपका 37 का ऑप्शन जो होगा वह होगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 38 का जो है वो क्या होगा, ये आपका दुबल का विथ रेफरेंस टू मैग्नीट्यूड ऑफ एब्जॉर्प्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन ए सही है, ओनली वन ऑप्शन ए सही है क्योंकि डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑब्जॉर्बेट पर भी एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है, इसने क्या रखा है कि नॉट डिपेंड यानी डिपेंड करता है, इसलिए सिर्फ आपका क्या है ओनली वन करेक्ट है, सेकंड वाला क्या इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा 38 का। 39 का क्या है क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ग्रीन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज एसर्शन बहुत क्वेश्चन पूछे गए इसमें, तो 39 क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन आपका थर्ड सही होगा, तीसरा ए इज लस्सी ऑप्शन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 39 का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या है, अकॉर्डिंग टू नर्स हीट थ्योरम डेल्टा जी एंड डेल्टा एच बिकम इक्वल टू एट विच ऑफ द फॉलोइंग, बेटा दोनों इक्वल तब होगा क्योंकि डेल्टा जी इसका फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच टी डेल्टा एस होता है, सीधी बात है टी आपका जीरो हो जाए तो दूसरा पार्ट ये जीरो हो जाएगा तो आपका ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होगा यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा जीरो केल्विन और -273 डिग्री सेंटीग्रेड को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, उस पर आपका डेल्टा जी और डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 41 में आपका ऑप्शन बी सही है, 41 में बी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 में आपका सही है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 में आपका सही है ए ऑप्शन 43 हो गया, 43 का सी सही है, 42 का सी, 43 का भी सी सही है, 44 क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन ए सही है, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, 45 में देखिए स्ट्रक्चर सही दे रखा है लेकिन उसका IBPSC नाम गलत है क्योंकि आपका दो एथिलीन है तो वो 20 होना चाहिए, उसने डाई यूज़ कर रखा है, IBPSC में लिगेंड के नाम में यदि डाई ट्राई टेट्रा पहले से है तो उसका जब रिपीटेशन होता है तो हम लोग 20 स्ट्रेस टेट्रा किस यूज़ करते हैं लेकिन इसने डाई यूज़ कर दिया तो सेकंड तो गलत हो गया, पहला वाला सही है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन ए सही होगा, 45 का ऑप्शन ए सही होगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की, क्वेश्चन नंबर 46 में जो आपको बता रखा है देखिए क्या है, इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, व्हेन एन केमिकल इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू ए टाइप ऑफ स्ट्रेस द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन सच अ वे एज टू रिड्यूस स्ट्रेस, सही है। दूसरा आपको दे रखा है जो रिएक्शन दे रखी है अमोनिया फॉर्मेशन की, वो है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाएगी बैकवर्ड जाएगी और ये कह रहा है फॉरवर्ड, इसके मतलब आपको 46 का क्या सही होगा, 46 का ए सही होगा, बी वाला स्टेटमेंट क्या है गलत है, यानी पहला स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 47 जाते हैं, क्वेश्चन 47 में आपको मैच करना है तो क्वेश्चन 47 का ऑप्शन सी आपका सही है, 47 का सी। क्वेश्चन 48 की बात करते हैं, क्वेश्चन 48 में आपका क्या होगा, 48 भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए रिएक्शन में जो रखा है प्लस 45200 कैलोरी देखा है, मैं 45200 कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी रिएक्शन क्या है एक्सोथर्मिक है, तो जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा
बैकवर्ड जाएगी। हमें पूछा क्या है कि फेवर फॉर्मेशन ऑफ एसओ थ्री यानी फॉरवर्ड के लिए पूछ रखा है, तो पहला वाला नहीं होगा, लोअर टेम्परेचर होना चाहिए था, हायर टेम्परेचर दे रखा था। दूसरा वाला क्या, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ एसओ टू और ओ टू, रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हमें टेम्परेचर घटाना चाहिए। तो इसमें सिर्फ क्या है पूछ रखा था, क्या था उसने क्वेश्चन पूछा था कि करेक्ट पूछ रखा है, तो इसमें क्या ऑप्शन सही है, 48 में आपका सही होगा बी वाला, फर्स्ट वाला गलत है, करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन बी, क्योंकि सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 49 मैक्सवेल रिलेशन बताना था इसमें, क्वेश्चन 49 में आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 50 आपको बताया, जो भी आपकी सीरीज हो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, सीरीज ए काम करा रहे हैं आपके पास बी सी डी, तो क्वेश्चन आप मैच करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन 50 का जो है उसमें पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल नॉट शो रोटेशनल स्पेक्ट्रम, रोटेशनल स्पेक्ट्रम वो शो नहीं करेगा जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, तो इसमें CO2 जो होगा उसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा तो वो शो नहीं करेगा। द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट पैरामैटिक, पैरामैटिक वो नहीं होगा जिसमें अनपेट्रॉन नहीं होंगे, तो ओ टू टू माइनस जो है आपका उसमें अठाई इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें वो पैरामैटिक नहीं होगा। ठीक है, डायपोल मोमेंट जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 52 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसमें कुछ पूछा है कि आपको 24th इलेक्ट्रॉन का बताना है। तो देखिए बेटा पहले ध्यान से, ये क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 4s1 और 3d10 होगा। बहुत ध्यान समझिएगा भाई, ये आपका 2 2 4 6 10, ये एक मिस हो गया, 3p6 भी था यहाँ पे, तो आपका 19 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया और बाकी 9 इसमें है, तो इस वाले में आपका 24वां इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए 24वां कहाँ होगा, बहुत ध्यान समझिए, डी होगा आपका, तो 20 21 22 23 24 ये आपका 24th इलेक्ट्रॉन है, तो ये -2 होती है -1 0 +1 +2, तो ये आपका इस इलेक्ट्रॉन, इसके लिए क्या होगा n इक्वल टू होगा 3d है भाई, 3d है तो n इक्वल टू 3, एल डी के लिए l इक्वल टू 2, m क्या होगा, m होगा -2 और S क्या होगा, S आपका होगा +1/2, तो ऑप्शन आपका A सही है। अच्छा क्वेश्चन था, गलत नहीं होना चाहिए आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, 8-8 कोऑर्डिनेशन ऑफ CsCl इज फॉर्म टू चेंज इनटू 6-6, क्यों, इसका रीजन था क्वेश्चन नंबर 53 का आपका इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 53 का आपका ए सही है, क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। 54 की बात करें, क्वेश्चन 54 अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आ चुका है एग्जाम में, तो 54 जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन होगा, उसने पूछ रखा है क्या, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ई जी गैप, एनर्जी गैप पूछ रखा है बेटा, जिसमें एनर्जी गैप जितना ज़्यादा होगा उसी कंडक्टिव उतनी कम होगी। तो आप यहाँ देखिए सबसे सिंपल तरीका इसका क्या है कि उसके बढ़ते क्रम में पूछा है, यानी सबसे कम वाला जिसकी एनर्जी का सबसे कम उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा, तो इसमें आपका क्या एसएन थ्री का एसएन टिन मेटल होता है, उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी तो उसकी जो एनर्जी गैप होगा वो सबसे कम होगा, तो इसमें जो सबसे कम होगा वो आपका पहले होगा, तो डी यानी आपका फोर्थ सबसे ज़्यादा कंडक्टिव, तो आपका एनर्जी गैप सबसे कम, और सी आपका इंसुलेटर है डायमंड तो उसका एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा, तो इसका ऑप्शन 54 का क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 55 का देखिए, 55 का जो होगा उसका ऑप्शन होगा ए। 56 क्वेश्चन क्या है, 56 क्वेश्चन का जो है उसका ऑप्शन होगा 56, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, क्वेश्चन 56 का ऑप्शन होगा ए, बोथ ए एंड बी करेक्ट, क्या है बोथ ए एंड बी, द प्रेजेंस ऑफ 6A1G ग्राउंड स्टेट है और डिज अलाउ ट्रांजिशन बाई स्पिन सिलेक्शन रूल, तो आपका क्वेश्चन नंबर 56 का ए ऑप्शन सही होगा। 57 का क्या है, क्वेश्चन का पूछ रखा है IR एक्टिव मॉलिक्यूल, क्वेश्चन पूछ रखा है IR एक्टिव मॉलिक्यूल, तो वो होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 58 ये नहीं हो पाया, ये हमको इसका समझ में नहीं आया क्योंकि इसमें प्रॉब्लम, लेकिन यदि ये होना चाहिए तो इसमें आपका मेरे हिसाब से सी लग रहा था, लेकिन आप देख लीजिएगा इसका, इसका मुझे बहुत क्लियर नहीं है। क्वेश्चन 58 बहुत क्लियर नहीं है, क्वेश्चन 58 और 59 दोनों मुझसे बहुत क्लियर नहीं था, 58 59 नॉट मच क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव 100 110 111, इसका ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन 60 का होगा वो होगा आपका बी, 60 का बी सही है।
61 क्वेश्चन नंबर 61 ये जो आपका इसका ऑप्शन बी सही होगा, ये आपको डायट मिल जाएगा पूरी समा पठानिया में, सॉरी पूरी समा काली इनऑर्गेनिक जो बुक है उसमें आपको मिल जाएगा पूरी शर्मा कालिया, यदि आपके पास है तो उसमें पेज नंबर 386 पर दे रखा है, पेज 386 पर ये दे रखा है, आप वहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। फिलहाल सी वाले की इंडस्ट्री सबसे कम होगी। अगला आपका क्वेश्चन 62 वाला क्या है, 62 वाले क्वेश्चन में ऑप्शन आपका बी सही होगा, बोथ ए एंड बी मतलब एसर्शन रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है तो इसका बी ऑप्शन सही होगा 62 का। क्वेश्चन 63 की बात करें, इसमें मैच करना है, क्वेश्चन 63 का ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। इसमें आपको बताना था I3 माइनस का होगा, हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 63 तक हो गया, 64 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपका देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 64 में आपका जो है वही इन्वर्जन टेम्परेचर की बात आ गई, 2A/RB होता है, तो इसमें आपका 64 में रॉन्ग कौन सा है, सी जो है वो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है, वो क्या होता है 2A/RB होता है, इसमें क्या लिखा है A/RB लिख रखा है। तो क्वेश्चन सेम टाइप क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन 65 की बात करें, 65 में आपका जो ऑप्शन होगा विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो XeF2 लीनियर ठीक है, XeF4 स्क्वायर प्लानर ठीक है, XeO3 ट्राइप्लानर ठीक है, XeO2F2 का दिया है ट्राई कोनल पिरामिडल, ये बड़ा होना चाहिए आपका क्या सी सॉ शेप, ये क्या होता है सी सॉ, तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वह डी होगा, ऑप्शन डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 66 में आपका क्या है, मैच List 1 एंड List 2, पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट को मैच करना है। उसमें देखिए हिंट आपको जिस तरह क्वेश्चन आते हैं तो हिंट की बात है, तो जो नेचुरल रबर होता है उसमें वल्कनाइजेशन वाला हिंट है, यानी C का 4 यही हिंट सबसे प्रॉपर हिंट है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन सही उत्तर है। बाकी बैकेलाइट का आपका होगा थर्मोसेटिंग, ये कन्फर्म है क्योंकि एक बार जो फॉर्म हो जाता है फर्दर उसे रिसाइकिल नहीं कर सकते। नायलॉन 6 जो थर्मोप्लास्टिक है और प्रोटीन आपका आपका कोपॉलीमर है, तो चीज़ें क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 67 का ए ऑप्शन सही होगा D3H। 68 क्वेश्चन 68 जो आपका है ये इसका फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल एंगल मोमेंटम √L(L+1)h/2π होता है, यहाँ पे L क्या है, L आपका है एजीमुथल क्वांटम नंबर, L क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर है, तो दे रखा है आपका D के लिए L का मान 2 होगा, 2 × 2 + 1 × 2 + 1 3 होगा, 3 × 2 = 6, तो √6h/2π होगा, √6h/2π, तो यानी क्वेश्चन नंबर 68 का जो ऑप्शन होगा √6h/2π, तो ऑप्शन डी सही होगा √6h/2π। 68 का जो आपका होगा वह डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम √6h/2π। क्वेश्चन 69 जो आपका है उसका आपका ऑप्शन जो क्या सही होगा, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड, ये ऑप्शन दे रखा है, और लेंथेनाइड मेटल्स इन ऑक्सीडेशन प्लस 4 आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन बी सही होगा कि लेंथेनाइड का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वह +3 है ना कि +2, तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की बात की जा रही है, इसमें क्या रखा है, इसमें भी मैच करना है H2O, मतलब इसमें पॉइंट ग्रुप मैच करना है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही है 70 का। क्वेश्चन नंबर 71 ये भी नहीं हो पाया हमसे, ये हमसे नहीं हो पाया क्वेश्चन नंबर 71। नहीं समय है। क्वेश्चन नंबर 72 का जो होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 72 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 73 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 में ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा इसमें, इसमें एक्चुअली डेल्टा S = Δ H /
टी होगा, लेकिन जो आपको दे रखा है हीट ऑफ एवेपोरेशन वो दे रखा है कैलोरी पर ग्राम, तो हमें पर मोल चाहिए, तो इसमें क्या होगा पर ग्राम दे रखा है बेटा, तो 540 दे रखा पर ग्राम, तो उसमें हम मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर मोल हो जाएगा, डिवाइड बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दे रखा है डिवाइड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोला है, तो ये 373 हो जाएगा, 373। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सब कुछ कैलकुलेट करने पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 26.06 कैलोरी पर डिग्री। तो ये आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 73 का। क्वेश्चन नंबर 74 का जो ऑप्शन है उसमें मैच द फॉलोइंग है, 74 आपका पूछ रखा है इसमें, तो इसमें आपका ऑप्शन कैरोस एसिड, ठीक, पायरोसल्फेट थायक, तो इसका ऑप्शन 74 का ऑप्शन डी सही होगा, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन आपका बी सही होगा, 75 का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 इज पैरामैटिक, दिस मे बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बेटा ये MOT थ्योरी इसीलिए आई थी, मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो 76 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, इसमें पूछ रखा हाइड्राइड के लिए बेटा, तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम का हाइड्राइड डायरेक्टली हाइड्रोजन से नहीं बनता है, वो आपका रिडक्शन ऑफ हैलाइड से होता है, तो इसमें आपका 77 में जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा ए, बेरिलियम के हाइड्राइड जो है वो डायरेक्ट हाइड्रोजन रिएक्शन के नहीं बनते हैं, वो रिडक्शन ऑफ हैलाइड से होता है हाइड्राइड का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन 78 का ऑप्शन डी सही है। 79 का ऑप्शन क्या है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बोल रखा है, तो इसके लिए ऑप्शन जो है वो ए, ऑप्शन ए इसका गलत है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन थर्ड सेल, थर्ड आपका होगा, तो क्या बोल रखा है नॉट करेक्ट, पहले तो क्वेश्चन ये समझना है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन 3s में एंगुलर नोड, ये होगा नंबर ऑफ रेडियल नोड डी में 2 होगी, ठीक है, इसमें 0.8, ठीक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n=3 l=2, वैसे समझिए इस क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखते हैं, n=3 l=2, l क्या बेटा ये आपका इसमें थोड़ा ध्यान देना, नॉट मैच प्रॉपरली, n=3 दे रखा है, l=2 दे रखा है, l=2 का मतलब ये 3D हो गया, 3D में कितने होंगे, 3D में आपके होंगे, ये हमने वहाँ ध्यान नहीं दिया, 3D में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपका इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका, इसका आंसर होगा बी, क्या होगा बेटा बी, क्योंकि इसमें होना चाहिए कितना, n=3 l=2, यानी 3D की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसमें कितना होगा 3D होगा, और 3D में कितना होगा, 3D में 10 होगा, n=3 बोला है, l=2 d, तो इसका बी होगा, ए नहीं होगा, गलत। क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर रहे हैं, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रखा है इसमें, तो इसमें बेटा आपका होगा 7 ऑप्शन होगा, क्योंकि फार्मूला यदि लीनियर है तो होता है वो 3n-5 होता है फॉर लीनियर, यहाँ पे n नंबर ऑफ एटम्स होता है, तो ऐसे क्लीन में आपके टोटल कितने एटम होंगे, टोटल 4 एटम होगा, 3 × 12 - 5 = 7 होगा, ठीक है, सही है। ये अगला क्वेश्चन क्या है, रमन स्पेक्ट्रम शोन मॉलिक्यूल 81 का डी ऑप्शन सही होगा। मोनोक्लिनिक का पूछ रखा है, मोनोक्लिनिक के लिए कौन सा सही है, तो 82 क्वेश्चन जो है उसके लिए ए ऑप्शन सही होगा, 82 के लिए ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 ये भी हमसे नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 83 नहीं हो पाया। और क्वेश्चन नंबर 84 बेटा जो दे रखा है उसमें क्वेश्चन वो बड़ा गलत हमें दे रखा है, क्योंकि देखिए इसमें मैचिंग बड़ी ख़राब है, XeF5 का दे रखा है, XeF5 में होगा आपका होगा वो स्क्वायर पिरामिडल होगा, ठीक है, और उसने पूछ के रखा है इसको एक्चुअली क्या करना था, मैच द फॉलोइंग में मतलब वो पेयर बना के देना था, लेकिन इस क्वेश्चन में पेयर नहीं बना, तो क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट है, तो क्वेश्चन आपका कटेगा, मतलब ये डिलीट क्वेश्चन होगा बाद में जाके। SF4 में देखिए, SF4 में का सीसॉ होता है, ICl2- का आपका लीनियर आएगा और इसका आपका आएगा एंगुलर,
कि ये आपका होना चाहिए था लेकिन इसमें कोई मैच प्रॉपर नहीं है। तो इसमें एक्चुअली क्या हुआ था कि ये करेक्ट आंसर पूछ रखा, तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका मेरे हिसाब से ये डिलीट होगा बाद में, ये क्या होगा डिलीट होना चाहिए। बाकी आप देखें लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 85 में जो आपका है वो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन ए ये सही है, बिलोंग्स टू साइक्लिक सिलिकेट, ये आपका सही है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए। जो दूसरा वाला दे रखा है साइक्लिक सिलिकेट का वो गलत दे रखा है, वोटर टाइटल में आपका ये नहीं होता साइक्लिक में, तो आपका ऑप्शन ए सही है 85 का। 86 का क्या है, 86 क्वेश्चन का है तो ये दे रखा है 86 क्वेश्चन बात नहीं बनी, तो हमने फिलहाल इसका जो मुझे ठीक लगा 86 का वो आपका ये लग रहा था, लेकिन ये नॉट श्योर, इसमें नॉट श्योर हूँ मैं, बहुत श्योर नहीं। और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 87 है, उसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा, 87 का ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि जो उसका कांस्टेंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ होता है। म्यू क्या होता है, ये होता है आपका रिड्यूस्ड मास, क्या होता है रिड्यूस्ड मास, तो जितना ज़्यादा रिड्यूस्ड मास होगा बी उतना कम होगा, तो CCl CF इसमें सबसे अधिक इसका मॉलिक्यूलर वेट है कंपाउंड का, तो इसका जो आपका मास होगा वो रिड्यूस मास होगा सबसे ज़्यादा होगा, तो बी आपका सबसे कम होगा, तो इसलिए 87 का डी ऑप्शन होगा। 88 क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89, बड़ा स्ट्रेंजर है रखा क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 पर पहुंच गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 92 में ऑप्शन आपका जो सही होगा वो होगा सी, क्योंकि आपका जो ट्रांस वाला होता है, ट्रांस जो होता है वो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, तो वो उसमें चार्ज एंटर नहीं होता है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, बल्कि आपका पहला वाला है ए और सी जो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 93 में आपका जो है वो मेरे हिसाब से उसमें सी होना चाहिए 93। क्वेश्चन नंबर 94 जो है उसमें आपका ए होगा। 95 क्वेश्चन नंबर 95 में आपका जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, 95 में ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 जो होगा उसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा पहला, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है फॉस्फोरस सल्फर फॉस्फोरस ये होता है स्ट्रक्चर, तो फॉस्फोरस के बॉन्ड जो हो गए वो होते हैं तीन, इसमें बोल रखा है 4 फॉस्फोरस बॉन्ड, वो गलत दे रखा है, स्ट्रक्चर भी गलत दे रखा है, तो इसका ऑप्शन पहला वाला ही सही है, 3 PP बॉन्ड होता है इसमें, ये ऑप्शन सही है 96 का। 97 क्वेश्चन नंबर 97 जो है एम्फोटेरिक जो आपका पूछ रखा है हाइड्रोक्साइड, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये आपका बोरॉन नहीं 13 ग्रुप है, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, तो उसमें एल्यूमिनियम और गैलियम इन दोनों का जो हाइड्रोक्साइड होता है वह होता है आपका एम्फोटेरिक, बोरॉन का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो होता है BOS3 जो है वो चीज ऑर्थोबोरिक एसिड है, वह होता है लुइस एसिड, एल्यूमिनियम का और गैलियम का होता है एम्फोटेरिक। क्वेश्चन नंबर 98 जो आपका है पूछ रखा है कोरोसील, एक्चुअली कोरोसील एक ट्रेड नेम है पॉलीविनाइल PVC का, ये कोरोसील जो है वो एक्चुअली PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का ट्रेड नेम है, कॉमर्शियल नेम भी कह सकते हैं कोरोसील, ये PVC है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये विनाइल क्लोराइड के उससे पॉलीमरेशन बनता है, तो ये रेनकोट नाम यूज होता है, तो आपका इसमें जो होगा ए और बी ट्रू है और इसका एक्सप्रेशन सही है, यानी ए और बी दोनों सही है और एक्सप्रेशन भी सही है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 99 आपका है इसमें भी मैच करना है, तो क्वेश्चन नंबर 99 में जो मेरे हिसाब से आंसर होगा वो होगा बी, हाई डेंसिटी पॉलिथीन सही है,
ए और बी करेक्ट है, लेकिन आर जो है उसका प्रॉपर रीजन नहीं है, सही है। तो सेकंड ऑप्शन का सही होगा, रीजन और रीजन दोनों सही है, लेकिन जो रीजन दिया वो प्रॉपर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 का जो होगा वो डी वेल नोन है, हाइड्रोजन एनर्जी वैल्यू जब लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो तभी डिजॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 101 क्वेश्चन नंबर 101 में आपका जो ऑप्शन होगा वह बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 101 में ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 102 क्वेश्चन नंबर 102 ये अभी नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 103 क्वेश्चन नंबर 103 में आपका डी सही होगा, पहला और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर डी में पहला और तीसरा सही है एंड डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 104 में आपका डी ऑप्शन सही होगा, जितना अधिक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होती है। कैटायन पर अधिक पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा उसकी ज़्यादा होती होगी यानी इसकी उसकी इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा होगी। ये आपका दे रखा है, इसमें अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर लैंथेनाइड्स 3। तो क्वेश्चन नंबर 105 का जो ऑप्शन होगा उसमें पहला और मतलब ए और डी सही है एंड डी ऑप्शन सही है इसका। पहला स्टेटमेंट मेटल लिगेंड बॉन्ड इज सिग्निफिकेंटली आयनिक, ठीक, और द मैटिंग मूवमेंट आर नॉट एनोज विद अप्रोक्सीमेटली बाई स्पिन ओनली मेजॉरिटी ऑफ लैंथेनाइड, क्योंकि उसमें ऑर्बिटल मोमेंटम भी सम होता है। तो ए और डी सही है यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 105 का। 106 क्वेश्चन की बात करें, 106 क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन जो होगा वह बी सही होगा, 106 वाले का बी सही है, क्रॉस चेक में देख लिया इसको। और अगला क्वेश्चन है विच आर फॉलोइंग मैक्सिमम लोन पेयर, तो आई थ्री माइनस में मैक्सिमम लोन पेयर होगा, तीन लोन पेयर इसके पास होंगे, तो आई थ्री माइनस लीनियर होगा, तीन लोन पेयर होंगे इसके पास। क्वेश्चन नंबर 108 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 108 की बात की जाए तो 108 में आपका ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। ये ध्यान समझिए, इसमें ऑर्डर बता रखा है, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस ऑक्सीजन -2F- Na+Mg+2Al+3 डिक्रीजेस, O2- माइनस सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। द इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ एन आयन इज स्मॉलर, बट सीधी बात है, इफेक्टिव डिस्चार्ज जितना कम होगा साई उतना क्या होगा ज़्यादा होगा। जितना इफेक्टिव डिस्चार्ज कम होगा, इफेक्टिव डिस्चार्ज क्या होता है एक्चुअल अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा उतना ही ज़्यादा आपका साइज होगा। तो ए ऑप्शन सही उसका है, 108 का ए सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन जो आपका है वह बी सही है। क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111 जो आपका एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम एंड और प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग वो ग्रेटर देन जीरो होगा तभी आपका स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियसली पूछ रखा उसने, तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर 111 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन ए सही होगा, सॉलिड स्टेट में FeCl6- और PCl6- और PCl4+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, 113 क्वेश्चन, देखिए इसमें कई स्टूडेंट्स मेरे गलत कर रखा है। एक्चुअली इसका ये है C+1/2O2CO होगा, तो भाई इसका बता रखा है आपको कितना फॉर्मेशन बोल रखा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसके लिए दे रखा है -283.3 और इसके लिए दे रखा है -393.5। तो भाई क्या होगा, डेल्टा एच होगा प्रोडक्ट, डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही ना होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का क्या है, प्रोडक्ट आपका है -283- वो भी माइनस है बेटा 393.5। तो जब 93.5 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी 110.5 लेकिन पॉजिटिव में, 110.5 लेकिन पॉजिटिव में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए सही इसका उत्तर है, 113 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। 114 जो है उसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। 114 की बात करते हैं हम, 115 की बात करते हैं, 115 का आपका ऑप्शन डी सही उत्तर है, डी, क्योंकि बोरिक एसिड इज अ वीक एसिड, ठीक है, और इसकी एसिडिटी बढ़ती है लेकिन वहाँ पर क्या होता है चिलेट फॉर्मेशन होता है, क्या होता है चिलेट फॉर्मेशन की वजह से बढ़ती है, ना कि उसकी वजह से BOH4 की वजह से, तो चिलेट फॉर्मेशन की वजह से बढ़ती है। तो आपका ए सही है, आर भी सही है, लेकिन प्रॉपर रीज़न नहीं है उसका सही।
ये आपका लास्ट में दे रखा है आपको कि ए इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, क्वेश्चन नंबर 116, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 116। सो 16 का आपका सी सही होगा। और 117 क्वेश्चन नंबर 117 नहीं हो पाया मुझसे, छोड़ दिया मैंने से, ये एक्चुअली थोड़ा मैंने देखा फिर बाद में नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। 118 क्वेश्चन नंबर 118 क्वेश्चन नंबर 118 का आपका होगा सठारह का सी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 119 का होगा ए 120 क्वेश्चन नंबर 120 में मैक्सिमम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मैक्सिमम कब होगा, जब होगा बेटा जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तब आपका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो 120 में जो होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। यदि आपका दोनों में से कोई वीक होगा तो वैल्यू घट जाएगी, तो क्या होगा वैल्यू घट जाएगी। 121 क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें तो 121 में आपका जो होगा वह सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन में आपका वर्ड जीरो होता है, उसने पहले बोल दिया कि एडियाबेटिक है तो क्यू भी जीरो होगा, डेल्टा टी भी जीरो होगा, ठीक। तो फ्री एक्सपेंशन है तो डब्ल्यू जीरो होगा साथ में। 122 क्वेश्चन में 122 में ऑप्शन कौन सही होगा, देखिए इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था, तो इसमें जो आपका ऑप्शन 22 में वो बी सही होगा। पहला वाला जो है उसमें आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम उसने जीरो बोल रखा है, यहाँ पर इसके लिए वैल्यू 1 होती है, एफ की वैल्यू 1 आती है। तीसरा जो आपका उस वो मैच कर रहा है तो ऑप्शन बी इसका सही होगा 122 का। 123 का जो होगा 123 का ऑप्शन ए सही होगा, और 124 का ऑप्शन सी सही होगा। क्यों? क्योंकि आपका यह कलरलेस लिक्विड है बोराजाइन, ना कि सॉलिड। और क्वेश्चन नंबर 125 का आपका होगा न्यूट्रल लिगेंड पूछ रखा है, तो वो होता है एमीन, NH3 होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें बेटा, क्योंकि इसका जो दूसरा वीडियो है जो ऑर्गेनिक वाला है वो हम आपको थोड़ी देर बाद देंगे, मतलब आप शाम तक उम्मीद हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।